बारगाह अहले बैत में आगा इजाज़त, बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में हमारे रिजवान भाई की फरमाइश के तौर पे चंद बंद बारगाह सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम में पेश कर रहा हूँ। यकीनन काफ़ी अरसे से लोग मुंतज़िर है ज़ियारत करबला मौला के लिए, अरबईन भी चला गया, आशूर भी गुजर गया, लेकिन अब तक करबला नहीं पहुंच सके। फर्शे मुसल्ले पे है, फर्शे मजलिस पे है। इस दुआ के साथ ये कलाम पेश कर रहा हूँ कि मौला जल्द से जल्द हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। रुखसती का मंजर है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि जब आखिरी मुलाकात के लिए अपनी बहन से खेमे में आए तो क्या गुफ्तगू हुई भाई बहन के दरमियान, और किस तरह से मौला इमाम हुसैन रुखसत हुए। हुसैन जाता है मरने को, है मेरी ज़ैना करीब आ गया, अब वक्त आखिरी सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैना, ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के, भैया मुझे तन्हा ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है दाओगे भैया। सुने दादारो क्या फरमाया अली की बेटी ने अपने भाई से, जनाब ज़ैनब फरमाती है बादाप के होगा मेरी गुरबत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम, सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया है।
करमान अपने भाई का, याद आ गया बहन को जनाब ज़ैनब को। क्या फरमाती हैं बीबी, कहती हैं याद आएगा भैया मुझे, अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। सुने अज़ादारो, वो कौन सा दिन था जिस दिन जनाब ज़ैनब सबसे ज्यादा खुश थी? वो कौन सा रोज था जो जनाब ज़ैनब के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था? बीबी कहती है इस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियां, और थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। और मेरा दिल कहता है कि जब जनाब ज़ैनब ने ये गुफ्तगू अपने भाई से की होगी ना, तो अपनी नजरों को थोड़ा झुका लिया होगा। बीबी कहती है अरे इतना था ख्याल आपको, पर्दे का बरादर ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लाद पर, अब देखेगी ज़ैनब के दुबन पेश हुआ हूं। जब अपनी चार साल सकीना को जनाब ज़ैनब के हवाले किया ना, तो अपनी भाई की लाडली बेटी को देख के जनाब ज़ैनब फरमाती हैं देखे कितनी मोहब्बत थी अपने भाई से दोबारा से मिलने के लिए। बीबी कौन कौन सी गुफ्तगू कर रही है? बीबी कहती हैं चार साल सकीना को देख के दीदारी भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं सकीना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। आखिरी बात
पेश कर रहा हूं इस दुआ के साथ कि मौला जल्द से जल्द हमें करबला मौला की ज्यारत नसीब फरमाए और वहां जाकर इमाम हुसैन के हरम में हम पुरसा पेश कर सके। अब सुने किस तरह से जुदा हुए भाई बहन, सुनिएगा आजादार। होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से, शहरन को चले कहती रही सानी जहरा। याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया, जैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवा।